अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू तरन्नुम किचन रेसिपी। आज मैं बनाऊंगी मलाई केक जो बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी है, और हम इसे बिना ओवन के बनाएंगे, इसे हम स्टीम में पकाएंगे। तो चलिए, आप सबको रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं मलाई केक की रेसिपी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है एक बोल में, हम डालेंगे, हमने यहाँ पर लिया है छलनी, डाल देंगे हम बोल में पहले, और हम डाल देंगे यहाँ पे, हमने लिया है एक कप, यहाँ पे हम डालेंगे मैदा। तो हमने यहाँ पे एक कप मैदा डाल दिया, और एक कप मैदा हम और यूज़ करेंगे इसमें। तो मैंने यहाँ पे दो कप मैदा लिया है, आप चाहें तो एक कप मैदा में भी बना सकते हैं केक। तो यहाँ पे हमने दो कप मैदा यूज़ किया है। अब इसमें हम डाल देंगे, यहाँ पे मैंने लिया है 1 टीस्पून डालेंगे इसमें हम बेकिंग पाउडर डालेंगे, और इसके बाद हम डाल देंगे इसमें 1/2 टीस्पून डालेंगे बेकिंग सोडा, और ये हम डालकर इसमें अच्छे से हम इसको छान लेंगे, जो जितने भी इसके अंदर जो होंगे वो हम छान लेंगे इसका। जो देखिए, आप सब देख रहे हैं कि इसमें मैदे में कितने सारी गुठली होती है, तो इसको भी हल्का सा दबाकर इस तरह से आप छान लीजिए। मैदा छानने के बाद अब हम साइड करेंगे छन्नी को, और इसके बाद हम डाल देंगे इसमें, मैंने यहाँ पर पीसी हुई चीनी डाला है। तो आपके पास पीसी हुई चीनी नहीं है तो आप इसमें चीनी को ग्राइंडर में डालकर पीस सकते हैं, और इसके बाद हम तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि इसमें इसमें बेकिंग पाउडर है और बेकिंग सोडा है, तो इसमें हम अच्छे से डालकर मिक्स कर लेंगे अच्छे से, जिसे अच्छे से मिक्स हो जाए मैदा में बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। इसके बाद हम डाल देंगे इसमें, मैंने यहाँ पे लिया है एक कप फ्रेश मलाई, तो आप फ्रेश मलाई डालिए। तो ये मलाई केक है तो इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है मलाई का। मलाई डालकर हम हल्का सा अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम इसे, और मिक्स करने के बाद जैसे कि हमने मिक्स कर लिया, अब थोड़ा थोड़ा दूध डालकर हम इसका बैटर तैयार कर लेंगे, स्मूथ बैटर तैयार करेंगे, क्योंकि मलाई केक है तो इसमें हमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, ज़रा सा भी नहीं डालना है। तो हम इसे दूध में ही इसका बैटर तैयार करेंगे। तो अच्छे से स्मूथ बैटर तैयार कर लीजिए, जिस तरह से हम पकौड़े का बैटर तैयार करते हैं उसी तरह से आप इसका बैटर तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा दूध डालकर मैं यहाँ पर बैटर तैयार कर लूँगी अच्छे से। तो यहाँ पर तैयार कर लीजिए अच्छे से, और यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं लगभग यहाँ पर तैयार हो गया हमारा बैटर, बनकर रेडी है। तो यहाँ पर हम इसको अच्छे से साइड से हम निकाल लेते हैं अच्छे से, और इसके बाद हम जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे हमने ड्राई फ्रूट यूज़ किया है। तो आप अपने चाहे कोई सा भी मनपसंद ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं इसके अंदर, इससे और भी अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे हम डाल देंगे इसको, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको साइड रखेंगे, हमने यहाँ पर लिया है केक मोल्ड, तो इसको हम लेंगे और बटर लगाएँगे इसके अंदर। तो अच्छे से बटर लगा लीजिए, और इसको बटर लगाने के बाद हमने यहाँ पर पेपर लिया है बटर पेपर, तो हम इसके अंदर डाल देंगे, और इसके बाद डालकर हम इसके ऊपर भी बटर लगा लेंगे अच्छे से, पेपर के ऊपर भी अच्छे से बटर लगा लेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप नॉर्मल ही मोल्ड में बना सकते हैं, उसमें आप बटर लगाकर हल्का सा मैदा आप डालकर उसमें बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम डाल देंगे इसमें, डाल देंगे हमने जो बटर तैयार किया है केक के लिए वो हम डालेंगे इसके अंदर, और डालने के बाद हम अच्छे से इसको हिला लेंगे। तो अच्छे से इस तरह से हिला लीजिए कि अंदर जो भी बबल है वो भी चले जाए, अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं रेडी है। अब हम यहाँ मैंने यहाँ पे पानी पहले से गर्म करके रखा था, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि पानी उबल गया है। अब इसमें हम डालेंगे स्टेन, आप कोई सा भी स्टेन डालिए, कटोरी डाल दीजिए इसके ऊपर, आप डाल दीजिए केक मोल्ड, और इसके बाद हम ढक कर रख देंगे करीब इसको 45 मिनट के लिए या 50 मिनट के लिए, टाइम लगेगा थोड़ा स्टीम में हम पका रहे हैं तो इसको हम ढक कर पकने के लिए रख देंगे। अब हम मलाई केक के लिए हम मलाई रेडी करेंगे, यानी कि रबड़ी बनाएंगे हम इसका। तो मैंने यहाँ पर फुल क्रीम दूध लिया है, तो यहाँ पे मैंने तकरीबन यहाँ पे लिया है दूध 1.5 लीटर के करीब लिया है, आप चाहे तो अपने हिसाब से ले सकते हैं दूध, आप जितना केक बना रहे हो उस हिसाब से आप लीजिए। इसको चलाते हुए हमें इसको उबालना है, चलाते हुए रहिए इसको। तो यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं एक उबाल अच्छे से आ गया है इसमें। अब इसमें हम डाल देंगे चुटकी भर केसर डालेंगे, तो ये केसर फ्लेवर के लिए है, आप चाहे तो इसे अवॉइड कर सकते हैं, या फिर आप इसकी जगह आप फूड कलर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर डालते हुए हमें इसे चलाते रहना है अच्छे से, इसे हमें गाढ़ा करके इसे अच्छे से उबालते रहना है। तो यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं इसे हमें आधा कर लेना है उबाल कर। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप चलाते रहिए। अगर आप सबको रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। तो यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं दूध यहाँ पे गाढ़ा हो चुका है, आधा भी हो गया है यहाँ पे। तो इस टाइम में हम डाल देंगे, मैंने यहाँ पर लिया है 3 से 4 चम्मच हम चीनी डालेंगे इसके अंदर। चीनी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, मीठा कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हमने पहले भी केक में हमने डाला है चीनी, तो उसी हिसाब से हम डालेंगे इसमें भी, रबड़ी में भी चीनी डालेंगे। तो चीनी डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे फ्लेवर के लिए, मैंने यहाँ पे लिया है 1 टीस्पून जैसा लिया है हमने, यहाँ पे इलायची पाउडर डालेंगे, और इसके बाद हम डाल देंगे हल्का सा यहाँ पे चुटकी भर जैसा डालेंगे इसमें फूड कलर, येलो फूड कलर, इसे डालकर हम हल्का सा मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे ड्राई फ्रूट,
तो यहाँ पे अपने पसंद के कोई सा भी आप ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे काजू पिस्ता बादाम यूज़ किया है, तो ये डाल देंगे। इसके बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे करीब 10 मिनट के लिए, और इसे हम थोड़ा सा गाढ़ा कर लेंगे दूध को। तो यहाँ पे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है हमें, क्योंकि रबड़ी के ऊपर भी डालना है, तो अच्छे से यहाँ पे हल्का सा पतला ही रहना चाहिए। तो यहाँ पे इस तरह से हम हल्का सा 5-10 मिनट के लिए और रबड़ी को गाढ़ी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल्का सा चलाते हुए इसको चलाते हुए पकाना है, हमें छोड़ना नहीं है। तो जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे गाढ़ी हो चुकी है, रबड़ी रेडी है हमारा बनकर। बस हमें इतनी ही गाढ़ी रखनी है रबड़ी को, ज़्यादा गाढ़ी करेंगे तो केक में अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं होगा। तो यहाँ पे इतनी आप पतली रखिएगा रबड़ी को। तो यहाँ पे रेडी है, अब हम गैस बंद करेंगे और हम देखेंगे केक हमारा कितना पका है। तो चलिए देखते हैं, इसको साइड रखेंगे हम गैस बंद करके और देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं केक हमारा कितना बन के रेडी हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं, हल्का सा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि बीच में हल्का सादा दिख रहा है, तो केक अभी हमारा रेडी नहीं हुआ है। इसे हम 15-20 मिनट के लिए बेक कर लेते हैं अच्छे से, जब तक कि बेक नहीं हो जाता ढककर बेक कर लेंगे अच्छे से। तो यहाँ 15-20 मिनट हो चुका है, मैंने बेक कर लिया है, बीच में भी मैंने एक बार चेक किया था। तो यहाँ पे अब अच्छे से यहाँ पक चुका है, साइड से भी किनारा है यहाँ पे केक का, यहाँ पे साइड से देख रहे हैं आप किनारे अच्छे से यहाँ पे छोड़ दिया है। तो यहाँ पे हम चाकू डालकर अच्छे से देखेंगे, तो यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं चाकू बिल्कुल भी साफ आया है बाहर। तो ये रेडी है, अब हम इसे निकाल लेंगे और केक को और ठंडा कर लेंगे इसे। तो यहाँ पे साइड से हम चाकू की मदद से हल्का हल्का यहाँ पे साइड से हम किनारे निकाल लेंगे चाकू की मदद से। तो यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं केक अभी हल्का सा गर्म है, तो इसे हम ठंडा कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। तो उसके बाद हम इसके ऊपर प्लेट डालकर हम इसे केक को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं मैं एक प्लेट डालूंगी इसके ऊपर, हम केक को पलट लेंगे, अब हम दूसरे साइड हम पलट कर निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे कि देखा आप सबने कि कितनी आसानी से बनकर रेडी है। आप इसी तरह से बना सकते हैं, स्टीम भी कर सकते हैं, ओवन नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, आप ऐसे भी बना सकते हैं, स्टीम करके भी बना सकते हैं। तो यह देख रहे हैं स्टीम में बनाने से इस तरह से भाप, किस तरह से यहाँ पे स्टीम में बनाने से इस तरह से आता है। तो यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं हम इसमें से पेपर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे पेपर अच्छे से निकाल लीजिए आप, और निकालने के बाद जैसे कि देख रहे हैं कलर भी कितना अच्छा आया है। तो यहाँ पे अच्छे से बेक हुआ है, तो जैसे कि देख रहे हैं आप कितने अच्छे से बेक हुआ है, बैक साइड देखकर ही आपको लग रहा होगा कितना अच्छा बेक हुआ है, ये कलर भी इतना ही अच्छा है। तो यहाँ पे रेडी है हमारा, यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं कितने सॉफ्ट बने हैं, कितने स्पॉन्जी बने हैं ये केक। तो आप इस तरह से रेडी करिए, आप हम इसी केक को अब डाल देंगे उसी मोल्ड में जिसमें हम मोल्ड में हमने बनाया था केक को। इसके बाद हम डालेंगे और एक फोक की मदद से हम इसके अंदर प्रिक कर लेंगे। तो आप कोई सा भी चाकू टूथपिक से भी आप इसको थोड़ी थोड़ी दूर पे आप केक को अच्छे से प्रिक कर लीजिए। इसके बाद हम इसके अंदर रबड़ी डालेंगे, रबड़ी भी आप ज़्यादा ठंडा ना हो रखिए, आप हल्का सा जब गर्म हो तभी आप रबड़ी इसके अंदर डाल दीजिए। तो यहाँ पे रबड़ी डालने के बाद हम अच्छे से ये चला जाएगा, इसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगा अच्छे से, ये टेस्ट जितना सारा फ्लेवर है वो अच्छे से अंदर जाएगा। तो आप इसके बाद डाल लिए, इसके बाद अब डालने के बाद रबड़ी डालने के बाद हम हल्का सा इसके ऊपर गार्निश कर देंगे आप कुछ ड्राई फ्रूट से। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे सभी यहाँ पे रबड़ी हमने डाल दिया है अच्छे से यहाँ पे। अब इसके बाद हम डाल देंगे इसके ऊपर ड्राई फ्रूट डालेंगे, तो आप कोई सा भी अपने पसंद के ड्राई फ्रूट से भी डाल सकते हैं, गार्निश कर सकते हैं। तो यहाँ बनकर रेडी है हमारा, यहाँ पे मलाई केक रेडी है फ्रेंड्स बनकर। तो कितनी आसानी से बन गया हमारा यहाँ पे रबड़ी केक, आप लोग देख रहे हैं जैसे कितनी सॉफ्ट है ये। अब इसका पीस कर लेंगे हम और इसके ऊपर हम रबड़ी डालेंगे। तो आप जब भी सर्व करें इसके तो आप इसको रबड़ी डालकर आप सर्व करिए। तो फ्रेंड्स देखा आप सबने कितनी आसानी से बन गया, इतनी टेस्टी रेसिपी, इतने सॉफ्ट और एकदम टेस्टी रेसिपी है ये, आप लोग ज़रूर ट्राई करिए, आप सबको बहुत पसंद आएगी। तो आप सबको अगर पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड मिलते हैं अगली रेसिपी में। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।